आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और कांग्रेस नेता अहमद पटेल के बीच मुलाकात हुई है। कुशवाहा के दिल्ली स्थित 78 लोधी एस्टेट आवास पर यह मुलाकात हुई है। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत हुई है। और आपको यह भी बता दें कि बिहार से ताल्लुक रखने वाले राज्यसभा सांसद कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह भी इस बैठक में, इस मुलाकात में मौजूद थे। तो क्या कुछ खीर पकी है इस मुलाकात में, किन मुद्दों पर बात हुई है, बात करेंगे। जी मीडिया संवाददाता स्वप्निल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, क्या माना जाए, सीटों पर ही फैसला हो रहा होगा? बिल्कुल, देखिए अभी तकरीबन 5 मिनट का समय रहा होगा जब अहमद पटेल पहुंचे हैं लोधी एस्टेट में, जो उपेंद्र कुशवाहा का आवास है 78 लोधी एस्टेट। वहां उनके साथ अखिलेश भी मौजूद हैं, अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के सांसद हैं। बंद कमरे में बैठक शुरू हो चुकी है। जो एजेंडा है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, वो एजेंडा यही है कि सीट शेयरिंग पर विस्तार से चर्चा होगी। आज सुबह से आरएलएसपी जो उपेंद्र गुट के प्रवक्ता हैं वो, और जो तमाम बड़े चेहरे हैं, इस बात के संकेत दे रहे थे कि कांग्रेस को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। और आज शाम में ये देखने को मिला है। सबसे पहले तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जब अहमद पटेल पहुंचे हैं और अब बैठक शुरू हो गई है। सीधे तौर पर ये सीटों को लेकर बैठक है, किस तर्ज पर सीटों का बंटवारा हो, किन किन लोकसभा सीटों को चिन्हित किया जाए, सीट बंटवारा तो हो ही हो, साथ ही साथ किन किन सीटों को स्पेशली चिन्हित किया जाए, इस पर भी चर्चा हो रही है। अखिलेश वहां मौजूद है, चूंकि बिहार से ताल्लुक रखते हैं। यानी कुल मिला के कहा जाए तो काफी महत्वपूर्ण बैठक यहां 78 लोधी एस्टेट दिल्ली में चल रही है। शुक्रिया स्वप्निल इस खबर को ब्रेक करने के लिए, इस पर जानकारी देने के लिए।